भाई लोगों, ये कातरे की माँ है। देख लो, ये संभोग करने के बाद ही कातरा पैदा होता है, ऐसे नहीं होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति से निष्कर्ष निकाला हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कातरे सरला में 3-4 साल हूँ। कातरे को बहुत ही प्रकोप है और गांव का कृषि विभाग के अधिकारियों ने व राजकीय कुर्सियों पर बैठे नेताओं ने बहुत बार टेलीफोन पर लिखित में कोई शिकायतें भेज चुके हैं, लेकिन किसानों की आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कुर्सियों पर बैठा राज का नुमाइंदा है, किसानों की तरफ कोई ध्यान को दे रखा, इसलिए किसान इस समस्या में परेशान हो रहे, खेती मोह भंग हो रहे। इसलिए राज अपेक्षा करांगे किसानों की मांग की तरफ ध्यान दे और कातरे की दवाई पानी स्प्रे को प्रबंध कर और किसानों के सागे न्याय करे। सुजानगढ़ शहर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार ये अच्छी बारिश होने के बाद किसानों ने बुआई कर दी थी और अपनी फसलों की बिजाई कर दी थी। खरीफ की फसलों में किसानों ने बाजरा, मोठ, ग्वार, तिल आदि की बुआई की थी। उसके बाद जो ही नमी बढ़ी, तो ही कातरे का प्रकोप है वो क्षेत्र के अंदर उभरने लगा है। कातरा वो जगह जगह इतनी संख्या में, ज़्यादा तादाद में इस बार पैदा हो गया है कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट नजर आने लगी है। इसी कातरे के प्रकोप के बारे में आइए बात करते हैं किसान पिथाराम जी जैन से। पिथाराम जी, बताएं किस प्रकार का कातरा कितनी तादाद में इस प्रकार इस बार पैदा हुआ और किसानों को उससे क्या खतरा है? इस बार कातरा शिमशवाड़ो और जो बड़े खेजड़ी के दरखत है या रोयड़ा है, इनके आसपास दिख रहा है। मतलब अभी छोटे रूप में, इसलिए पूरा विस्तार से दिखाई नहीं दे रहा है। जो जो ये बड़ा होगा और पूरे खेत में वितरण करने लगेगा, तब ये कातरा दिखाई दिखेगा। और मतलब कातरा होगा 100%, क्योंकि कातरे ने अपनी आड़ शुरू कर दी है। और कातरा नुकसान में तो ये है कि ये जो फसलें, जो छोटी फसलें हैं, जो अभी फसल बुआई है, तो अभी फसलों का छोटा रूप है, तो ग्वार, मोठ, मूंग, बाजरा सभी का ये घातक दुश्मन है, इनको कट कर देता है। अच्छा, बताइए कितने दिनों के अंदर ये कातरा बड़ा हो जाएगा और फसल को है वो नुकसान पहुंचाने लग जाएगा? ये कातरा 10-15 दिनों में बड़ा होकर अपना तबाही मचाएगा और नुकसान में ये मतलब फसलों को मतलब पूरी रूप से, पहले पत्तों को कुतरता है, फिर ये जड़ों को धीरे धीरे काटता हुआ मतलब एकदम जमीन से उखाड़ लेता है इनको, और बाजरी सभी को नुकसान पहुंचाता ही है, मतलब फसलों को पनपने ही नहीं देता है। जैसा कि क्षेत्र के किसान पहले भी बता रहे थे कि 3-4 साल से लगातार है जो क्षेत्र में कातरे का प्रकोप किसानों को झेलना पड़ रहा है, तो क्या सरकार ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है कि भाई आपको कातरा पकड़ने के लिए किसी प्रकार की लाइट वगैरह देना या किसी प्रकार का पाउडर आपको उपलब्ध करवाना, इस प्रकार की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है क्या किसानों के लिए? सरकार का हमेशा ही किसानों के तरफ एकदम अपेक्षापूर्ण रवैया रहा है। सरकार की तरफ से भी अभी तक कोई हमारे पास नुमाइंदा भी नहीं है, मतलब न तो सरकार की तरफ से कोई टीम बनाकर, न कोई गिरदावर है, पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, कृषि मंडी का कोई आदमी, मतलब सरकार की तरफ से कोई मतलब चेतना ही नहीं जागी है कि किसानों की क्या हालत है। सरकार तो अपनी बस योजनाओं में लगी रहती है और किसानों की तरफ, इनकी तरफ कोई इन्होंने प्लान रूपरेखा तैयार नहीं किया अभी। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पिथाराम जी जो किसान है वो बता रहे थे किसानों की दुर्दशा, तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं कन्हैयालाल जी सेठिया द्वारा जो एक कविता लिखी गई थी कौन जमीन रोधनी, उसकी दो लाइनें वो कहीं ना कहीं प्रासंगिक नजर आती है। कन्हैयालाल जी सेठिया ने जैसा लिखा, हार्ड मास चाम गाड़ खेत में पसेव सींच, लू लपट ठंड में से सेवे दांत बीच। उसी प्रकार के किसानों के आज के हालात वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं जो आज से 50 साल पहले थे। सुजानगढ़ से अमित प्रजापत की रिपोर्ट।